बट तूने मेरा मान रखा मुझे नीचा नहीं दिखाया जब जब मैंने तुझे बॉल दी तूने अच्छा परफॉर्म करा जब जब मैंने तुझे बैटिंग के लिए भेजा तूने अच्छा परफॉर्म करा जो भी तुझसे एक्सपेक्टेड था तूने अच्छा करा तूने हमारी इज्जत ही नहीं बचाई तूने मुझे वर्ल्ड कप भी जितवाया इंडिया को वर्ल्ड कप भी जितवाया सबने जितवाया मिलकर ऐसी बात नहीं है बट क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ इन्होंने बदसलूकी करी थी पब्लिक ने भी और मैं तो ये बोलूंगा किस प्लेयर्स के ऊपर भी सवाल तो उसका एक बहुत बड़ा एक्नोलट और इसीलिए रोहित शर्मा इमोशन था वो नकली नहीं था वो इन द मोमेंट उसका लगा कि नहीं यार इस बंदे का हक है अब इस बंदे का हक है कि मैं इसको इज्जत इस टाइम पे और किसी प्लेयर को नहीं मिला बा ने अच्छा करा अर्षदीप ने अच्छा विराट प्लेयर ऑफ द मैच था बट वो गया सिर्फ और चलते इंटरव्यू के अंदर गया ढूंढ के दैट वाज From द हार्ट और दो बार दिखे इमोशन जो रोहित शर्मा के बहुत ही रियल लगे थे एक तो पाकिस्तान वाला गेम 2022 ट्वेंटी वर्ल्ड कप विराट कोहली को जो उठाया था वो तो और ये दो मोमेंट है भाई कि जहाँ पे रोहित शर्मा बड़े वो दिखे कि यार दिल से थैंक यू आ रहा है कि यार भाई अगर वो मैच आप हार जाते ना रोहित शर्मा कप्तान ना होते

रोहित शर्मा गए और वो भी बड़ी दिल की रिएक्शन थी कि रोहित शर्मा ने उसको रिस्पेक्ट था, और था के यार। और लेकिन वो इट वॉज द अल्टीमेट साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू बैटर इन दर्ल्ड है तुझे और मैं एक बात बताऊं आपको रोहित की भी जो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग थी ना इस वर्ल्ड कप में वो वो भी ग्रेटेस्ट रोहित शर्मा मेरा फेवरेट प्लेयर था आप तो आज चु... की डेट में विराट वाली इनिंग ज्यादा बड़ी थी चूज नहीं, लेकिन लेकिन नहीं, नहीं थी, वो चेज में थी आपकी विकेट्स गिर चुकी थी आप लगातार दूसरा मैच हार जाते पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच और आपका फिर से वर्ल्ड कप खत्म हो जाता अगेंस्ट ऑड यार आठ बॉलों में अट्ठाईस रन चाहिए थे भाई। कहां से बंद इतना इजी नहीं था वो तो वो बड़ा ग्राउंड था यार और उस टाइम का हारिस उस टाइम का हारिस अच्छा था वो इतना फ्लैट ट्रैक नहीं था जितना यहाँ पे था वो बड़ा ग्राउंड था बड़ा ग्राउंड था। और हारिस रॉफ ने उस मैच में बहुत अच्छी बोलिंग सब करी सबसे बेस्ट बोलिंग उसी ने की तो वो आसान नहीं था वो वो इनिंग डेफिनेटली बड़ी थी लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रोहित की इनिंग छोटी थी रोहित मेरा हमेशा से रन <laughs> को को ही नहीं आता था, <laughs> था बिकॉज उसकी बैटिंग जब रोहित मार रहा है ना तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता और इतना फ्री फ्लोइंग बैटर है यार छक्के छक्के और मैं सिक्स हिटर्स आपने खुद मेरी बैटिंग देखी है या तो छक्का या कुछ नहीं मरन भागता नहीं मेरे को सिक्सर ही चाहिए आप तो मार नहीं पाते इतने लेकिन चलिए आपने देखा ना आपने सिंगल लेने को नहीं मारा <laughs> देखा तो मैं वैसे ही सिक्स सीटर्स का तो बचपन से ही फैन हूँ चाहे सईद अनवर हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विव रिचर्ड्स हो हो गेल कोई भी वीरेंद्र सहवाग हो क्रिस गेल हो और रोहित शर्मा का मैं शुरू से कायल था 2019 के बाद मैंने बोला भी था ऑन रिकॉर्ड किया रोहित शर्मा को कप्तान बना दो आप अभी राइट टाइम है उन्होंने बनाया नहीं उसकी बैटिंग में एक नशा है भाई वो जिस तरीके से बैटिंग करता है रोहित जब फॉर्म में आ जाता है ना जब फ्लो में आता है फॉर्म मीनि फ्लो जब एक दो गेंदे शुरू में बच जाए कनेक्ट हुआ दो कनेक्ट हुई उसके बाद उसके बाद बाद फिर बॉल डालते रहो और छक्के देखते रहो जहां वहां डालो तो एक ही वो जिसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो बड़ा मजा आता है तो उस दिन ऊपर वाला भी मेरे पे मेहरबान होगा कि भाई कम से कम मेरे को बहुत दिनों के बाद ऐसी पारी मेरे फेवरेट बैटर की इस जनरेशन के देखने को मिली जिसमें उसने मैं आई वॉज शॉक्ट मैं लेकिन हो क्या रहा इस है हिटमैन थोड़ा सा लगा थोड़ा सा इधर लग रहा है बट उसकी इंटेंट जो थी ना वो उस दिन मूड से आया था कि आज मैं इनको खत्म करके रख पिछली बार जो हुआ था दिल में था कुछ मर्जी हो जाए विराट आउट हो जाए ये हो जाए वो हो जाए मैं नहीं रुकने वाला

तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तुम तो गली मोहल्ले के क्रिकेटर बनने के लायक नहीं हो और वर्ल्ड चैंपियन टीम <laughs> जीत के आ रही है, मैं मैं के आ रही है। के आ रही रही है है आपको हरा दोनों इंडिया बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को उम्मीद नहीं थी रोहित मेरे को को भी नहीं थी <laughs> मेरे को एक पैसे की उम्मीद नहीं थी रोहित शर्मा से कि कुछ कर लेंगे मेरे को था कि भाई चलो टीम का मोमेंटम बना हुआ है हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके सेमीफाइनल में देखेंगे आज चलो ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है बिकॉज इनको बाहर करो तो वो मैच जीतना जरूरी था लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि उस दिन रोहित शर्मा ऐसा मारेगा ऐसा मारेगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड कप ही जीते हैं उसकी वजह से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं मानता हूं अक्षर पटेल की कॉन्ट्रीब्यूशन हार्दिक पांडे की कॉन्ट्रीब्यूशन की कॉन्ट्रीब्यूशन विराट की फाइनल में कॉन्ट्रीब्यूशन सूर्य कुमार यादव की भी कॉन्ट्रीब्यूशन अक्षर पटेल अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कुलदीप यादव पूरा टोटल टीम एफर्ट इवन शिवम दुबे बोलता हूं भाई फाइनल में अच्छा खेला बहुत अच्छा खेला मैं सबका एफर्ट मारता हूं लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने मारा उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स

तुम की बात हो रही है भाई कितना अच्छा लगता है रोहित शर्मा की तारीफ करते हो जो तुम मेरे को, <laughs> को बदनाम कर रखा है तो यार नहीं जब उनकी बैटिंग नहीं था। जब अच्छा बोलेंगे कोई भी ईमानदार फैन ये बोल नहीं सकता था ऐसी नहीं खेलेंगे आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस भी है रोहित पे की आप ईमानदारी से बताओ की जगह भी बन रही है टीम में ये बात हो रही थी क्योंकि एक साल से तो जगह मुंबई इंडियंस तक ने हटा दिया था यार क्यों हटाया था कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं की परफॉर्मेंस ही नहीं थी यार इस बार देखते हैं क्या होगा मजा आएगा इस बार इस बार आईपीएल होता लंबा टूर्नामेंट भाई देखो ये रीसेंट जो वर्ल्ड कप हुए उनमें मैं तो कह रहा हूँ एक दो टीमें बढ़ा दो बढ़ा लो यार एक दो टीमें आईपीएल बढ़ गई एक दो टीम भाई तो उसके बाद तो यार मैचेस बढ़ाओ

किस्मत पता नहीं क्या था वो उसने लेकिन उसने, उसने एंड में छक्का बड़ा प्यारा जनसन को भी को भी लेकिन अगर आप